देवधर तहसील के विभिन्न शासकीय विद्यालयों में मेन्यू के हिसाब से बच्चों को नहीं मिल रहा है भोजन। बच्चों की थाली में आखिर कौन लगा रहा है सेंध? कर्मचारियों द्वारा क्यों नहीं की जा रही है कार्रवाई? ताजा मामला शासकीय प्राथमिक शाला आवास बस्ती बसाहट में देखने को मिला है, जहां बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन देने के आरोप लगे हैं। वहीं मेन्यू के हिसाब से भोजन बच्चों को नहीं प्राप्त हो रहा है। बता दें कि यह स्थिति विभिन्न विद्यालयों में बनी हुई क्या है। क्या कहना है आपका इस विषय पर? भोजन में मेन्यू के अनुसार बनना चाहिए। बनता है कभी? अभी नहीं बना। अभी नहीं बना कि कभी नहीं बना? जब से लगने लगी विद्यालय आज तक नहीं बना, कभी भी मेन्यू का पालन नहीं किया। इस तरह का ये जो चावल दिखाई दे रहा है, तो ये चावल खराब है क्या? बिल्कुल खराब है। तो इस पर आप लोगों ने रोक क्यों नहीं लगाई पहले? लगाया है तभी तो आज बंद किया गया। कल भी खराब था, हमने बोला कि कल भोजन नहीं बनेगा, ऐसा ही चावल अगर मिलेगा तो।